हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं का। तो क्वेश्चन इस तरह से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसका घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इसके रूप में लिखा जा सकता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो हमें इसमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही आपने देखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और बार बार हम इसे प्रयोग कर रहे हैं। a ये होता है जहां पे जो r है वो b से कम होता है। अब हम b ले लेते हैं 3, तो उस केस में r क्या होगा, 0, 1, 2। ठीक है, r हमेशा b से कम होता है, तो अगर b 5 है तो r 0 से 4 तक होगा, यहाँ पे b 3 है तो r 0, 1, 2 ये होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आपने 3 ही क्यों लिया, आपने 4 क्यों नहीं लिया। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 लेके ही सॉल्व होगा, 4 लेके सॉल्व नहीं होगा। हमें क्वेश्चन को देखना पड़ता है और उसको उस हिसाब से हमें तब बी उसी अनुसार लेना पड़ता है। आपने देखा होगा इसी एक्सरसाइज में हमने बी एक बार 6 भी लिया है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि वहाँ पे 6 लेना था। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये होती है प्रैक्टिस। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें घन निकालना है। तो अगर हम 3 लेंगे तो काम बन जाएगा, 4 लेंगे तो फिर घन करके 9 कॉमन कैसे आ जाएगा, 3 लेने से 9 कॉमन आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर, आपको बात समझ आ गई। चलिए, तो जो ये b और r है इनके मान को यहाँ पे रखेंगे, b रखा हम, ये 3 यहाँ पे रखा b की जगह पे और r यहाँ पे 0 रखा, तो ये तो इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे b 3 रखा और r 1 रखा और फिर b 3 r 2, तो जो संख्या है वो ये है 3q, 3q+1, 3q+2। अब हमें ये बताना है कि जो इसका घन है उसे इस रूप में लिखा जा सकता है, हमें ये बताना है। तो एक एक करके इनका घन करते हैं, तो सबसे पहले 3q का घन करेंगे, क्यूब करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27q³। यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3q³ और आप देख सकते हैं कि ये 9m के फॉर्म में आ गया है। 9 कॉमन लिया, ये m ले लो 9m, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ रहा है जो हम चाह रहे थे। अब इसका क्यूब करना है 3q+1 का क्यूब। देखो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab (a+b). ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3×3=27, ये है 1×3=9q और ये आ जाएगा 3q+1। अब यहाँ पे ये है 27q³+1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27q² और फिर ये हो जाएगा 9q। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने इससे इससे और इससे 9 कॉमन लेना है, तो ये 9 कॉमन आ रहा है, वैसे क्यू भी कॉमन आ रहा है लेकिन फिलहाल 9 लो, हमें 9 से मतलब है। तो 3q³ यहाँ बचा 3q² और यहाँ बचा केवल q और ये 1 एकदम अलग हो गया है। अब आप देखेंगे अगर मैं इस पूरे की जगह पे m लिख दूँ तो ये आ जाएगा 9m+1। देख रहे हैं आप, ये चीज़ आ गई है। अब हमें इसका क्यूब करना है, 3q+2 का क्यूब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अगेन वही अप्लाई करेंगे a³ + b³ + 3ab (a+b). तो ये हो जाएगा 27q³ + 8 + यहाँ पे ये 2 है, सॉरी 2, ठीक है ना, 3ab, हाँ 3×3=9, 9×2=18।
अब इसका और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27Q³ प्लस 8 प्लस 18 तिया 54Q² प्लस 18 दुने 36Q, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये है और ये है और ये है, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन लिया, ये बचा 3Q³ प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो बचा 9×6=54 और यहाँ से 9 कॉमन 9×6=36, ठीक है। और ये जो 8 है उसको मैंने अलग यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको m ले लूँ तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है ना। ये m ले लिया मैंने, कोई भी नंबर m, कोई इंटीजर कोई भी नंबर है तो मैंने इस तरह से ले लिया है। और अब आप देखो 9m प्लस 8 भी आ गया है, तो यहाँ पे ये देखा आपने, ये 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि जो कोई भी संख्या है, यानी देयरफॉर किसी भी संख्या को 9 संख्या के क्यूब को संख्या के घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो लिखा जा सकता है, ये अब इसका सॉल्यूशन हो गया है। वेल, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और फिर जल्दी से मैं इसकी सेकेंड एक्सरसाइज के भी वीडियोस डालूंगा। कोई भी अपना फीड कुछ भी आपको कहना हो, नहीं समझ आया हो, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।